हेलो फ्रेंड, एवरीवन फ्रेंड, मैं आज आप लोग कैसे हो? मैं काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो है एक तरीके से फीवर और बुखार और मैं बीमार चल रहा था। बहुत काफ़ी दिनों से मैं बीमार हुआ हूँ, इसके लिए बड़ा दुखी था कि मैं आप लोगों के बीच में था नहीं। मेरी आवाज़ भी और जो मेरी आवाज़ थी वो अच्छी निकल भी नहीं पा रही थी। और जो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम था, जो कि मुझे लेक्चर देने का समय था, मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ UPPCSJEE के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य कि हम जो जुरिस्प्रूडेंस का टॉपिक लाए हैं, आप लोग मेरे साथ एक बार बने रहें और आप लोग एक इंटरनेशनल एक नज़रिए से आप लोग देखिएगा। कहा जाता है कि महत्वपूर्ण तत्व अल्पियन ने डाइजेस्ट विधिशास्त्र को प्राचीन अनुचित विज्ञान, क्या क्या कहा है? अल्पियन डाइजेस्ट में विधिशास्त्र को प्राचीन यूं अनुचित विज्ञान कहा। अब सिसरो विधिशास्त्र को विधि का विज्ञान और दार्शनिक पक्ष कहा। देखिए, सिसरो जो है, सिसरो ने विधिशास्त्र को विधि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को विध्यात्मक विधि का दर्शन कहा। ऑस्टिन ने क्या कहा? विधिशास्त्र को विध्यात्मक विधि का दर्शन कहा। उसके ऊपर में आप जाते हैं, सामंड ने कहा, सामंड ने विधिशास्त्र को नागरिक विधि विज्ञान कहा। सामंड ने क्या कहा? विधि शास्त्र को नागरिक विधि विज्ञान का कहा। हालन के शब्दों में विधि शास्त्र, हालन जो कहते हैं विध्यात्मक विधि और प्रारूपिक विज्ञान है, क्या है? हॉलैंड के शब्दों में विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि तथा प्रारूपिक विज्ञान है। गिरे ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा। गिरे ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा। अब देखते हैं पैटर्न के अनुसार, पैटर्न के अनुसार विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के प्रकारों का अध्ययन है। पैटर्न के अनुसार विधि शास्त्र विधि के और विधि प्रकारों का अध्ययन है। कि प्रोफेसर कीटन ने विधि शास्त्र को विधि का समान सिद्धांतों का ज्ञान मात्र बताया। कीटन ने क्या बताया? विधि शास्त्र विधि के समान सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना। डीन राष्ट्र को पौन जो है समाजशास्त्री विचारधारा कहते हैं, विधि शास्त्र को, विधि शास्त्र को ज्ञान है। विधि शास्त्र क्या है? ज्ञान है। क्यों, किसने माना? डीन राष्ट्र को पौन ने। ड्यूगेट ने जो कि ड्यूगेट के अनुसार विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। ड्यूगेट ने क्या कहा? विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। डेरास्को पाउल ने क्या? विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। और यहाँ पे ड्यूगेट क्या है तो कहते सामाजिक विज्ञान है। यहाँ प्रोफेसर जूलियन स्टोन के अनुसार विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं का बहुमुखी अभिव्यक्ति कहा। प्रोफेसर जूलियन स्टोन के अनुसार विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं को बहुमुखी अभिव्यक्ति कहा। आप देखिए, जूलियन स्टोन के शब्दों में वकीलों का कार्य से शब्द ऐसे उसकी कच्चे माल से है। क्या कहा जूलियन स्टोन ने? वकीलों का कार्य से शब्दों से या उसकी कच्चे माल के लिए कच्चे माल है। एलन के अनुसार विधि शास्त्र विधि मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। हाल ने संकलनात्मक विधि शास्त्र की संकल्पना को प्रस्तुत की है। आइंस्टीन विधि शास्त्र के समान तथा विशिष्ट विधि शास्त्र के रूप में विभाजित किया है। लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत कहा। विधिवेत्ता हेगो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हेगोरोगोरसेस जो डाइजूरिया पेसस के लेखक हैं, उन्होंने सामाजिक संविदा का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। नैसर्गिक विधि के विचारधारा सर्वप्रथम यूनान विचारधारा से प्रकट हुआ। कहाँ हुआ? अगर नेचुरल लॉ आ जाएगा तो यूनानियों का देन है। प्राकृतिक विधि में संबंधित यूनानी दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्टोई को कहा जाता है। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री हीगल हैं। कौन है? दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री हीगल हैं। हॉलैंड विधि शास्त्र को आधारचित विधि का प्रारूपी विज्ञान कहा। क्या कहा? प्रारूपी विधि विज्ञान कहा। केल्सन के अनुसार समाजशास्त्रीय शाखा का पश्च वैदिक है। केल्सन ने कहा समाजशास्त्री जो है शाखा पश्च वैदिक है। नैसर्गिक विधि को धार्मिक चरित्र संत अगस्ताइन का प्रस्तुत किया गया है। नैसर्गिक विधि के मानव अधिकारों की संकल्पना का जन्म दिया है। क्या दिया है? नैसर्गिक विधि जो है मानव अधिकारों की संकल्पना का जन्म दिया है। प्राकृतिक विधि के उद्धार श्री स्टेमलर को दिया जाता है। प्राकृतिक विधि का उद्धार जो है श्री स्टेमलर को दिया जाता है। प्रवृत्ति अंतर्वस्ती को नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक स्टेमलर है। स्टेमलर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा है? स्टेमलर ने लिखा है। अपवादी सार्वभौमिक में बंधनकारी इच्छा पर निरूपित किया है। ओके, द थ्योरी ऑफ जस्टिस स्टेमलर ने दिया है।
एडमंड बुक के अनुसार एडम जो है एडमंड बुक के अनुसार जो है विधि की कार्मिक और जीविक प्रक्रिया के दिन है। आस्टिन ने कहा विधि शास्त्र का जन्म जो है इंग्लिश का जन्मदाता जो है आस्टिन को विधि शास्त्र का जन्म माना जाता था। जे आस्टिन के विधि के अनुसार से समर्थित तो संप्रभु समादेश रूप में परिभाषित किया है। आस्टिन ने विधि शास्त्र को समान और विशिष्ट में विभाजित किया गया है। आस्टिन ने विधि विभाजित किया। आस्टिन जो है प्रत्यक्षवाद का नींव रखा है। कैल्सन ने कहा है कोई वस्तु क्या है ये हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम अध्ययन न करें कि ये क्या करती है। उचित रूप से की जाने वाली विधि और अनुचित रूप से की जाने वाली विधि आस्टिन ने विभेद किया है। लॉर्ड लेबरिन का कथन है कि विधि की न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। विधि में क्या होना चाहिए? विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। सी के एलन ने विधि को तार का वृक्ष कहा जाता है। प्रोफेसर केसी कैल्सन आस्टिन के अनुसार एक कदम आगे माना जाता है। कैल्सन और उसके समर्थक विधि शास्त्र को बियाना के शाखा से संबोधित किया गया है। शेबनी ने डर्विन और डर्विनवादी समाजशास्त्रियों को पूर्व समाजशास्त्री कहा है। शेबनी ने डर्विन के पूर्व डर्विनवादी तथा समाजशास्त्रियों को पूर्व समाजशास्त्री कहा है। कैल्सन विधि के मानकों का विज्ञान कहा है। कैल्सन विधि मानकों के तत्वों को हीन समादेश कहा है रूप में परिभाषित किया गया है। शामंट के मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण को कहते हैं। ओके, अब देखते हैं। हार्ट ने विधि शास्त्र के नियमों को व्यवस्था के रूप में देखा है। जो प्रोफेसर एच एल हार्ट थे ने विधि शास्त्र को जो नियमों का एक व्यवस्था के रूप में देखा है। प्रोफेसर एच एल हार्ट ने विधि को प्रमुख गौण के नियमों का योग कहा। प्रोफेसर एच एल हार्ट ने विधि का प्रमुख गौण और नियमों का योग कहा। फुलर के अनुसार विधि मानव आचरण के नियमों को शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है। फुलर के अनुसार विधि मानव आचरण के नियमों को शासन के अधीन बनाने का उपकरण है। ऐतिहासिक शाखा से सात विधि जातवादी का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हेनरी मेन ऐतिहासिक स्कूल से हेनरी मेन ऐतिहासिक स्कूल डर्विन को कहा जाता है। डर्विन को कहा जाता है हेनरी मेन ऐतिहासिक स्कूल से है। सेमनी विधि शास्त्र की विधि राष्ट्रीय चरित्र के रूप प्रस्थापित किया गया है। सेमनी का लोकात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अभी मेरी तबीयत जो है ठीक ठाक नहीं हुई है। सर हेनरी मेन ने विधि तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। पुस्तक के अनुसार ना तो लोक राज्य से ना अकेले विधि का स्रोत है। पुस्तक के अनुसार ना लोक राज्य से है ना अकेले विधि का स्रोत है। और ड्यूगेट के अनुसार विधि सतत संघर्ष का परिणाम है। ड्यूगेट के अनुसार विधि सतत संघर्ष का परिणाम है। ड्यूगेट के शब्दों में सामाजिक संकेतता तथा और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। ड्यूगेट ने सामाजिक संस्था को नियंत्रण को धोरी राज संगठन में निहित है। रास्को पॉइंट के अनुसार निहित विधि मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं से संतुष्ट है। रास्को पॉइंट के अनुसार विधि सामाजिक आवश्यकताओं को दावों को मांग को संतुष्ट सामाजिक संस्था है। रास्को पॉइंट ने सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत जो है रास्को पॉइंट ने प्रतिपादित किया है। एक भी नाश के अनुसार विधि में तर्क और अच्छी होनी चाहिए। सेबनी के अनुसार विधि को अवधारणा जन चेतना में निहित है। डासरेक बेसिस सेबनी पुस्तक में जिसमें अर्थ डाला ऑफ पोजिशन है। फ्रेडरिक ने क्या कहा है? न्याय कभी दिया नहीं जाता है ये कठिन कार्य है। फ्रेडरिक ने कहा न्याय कभी दिया नहीं जाता है ये कठिन कार्य है जिसे प्राप्त करता हूं करना होता है। व्यंतम विधि शास्त्र के विज्ञापन तथा मूल्यांकन में विभाजित किया गया है। अष्टम विधि शास्त्र को सुस्पष्ट विधि का दर्शन कहा है। दोस्तों मैं कोशिश करता था कि अधिकतम से अधिकतम मेहनत करके मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मतलब जो है नोट्स दे और अच्छे तरीके से वीडियो डालूं ताकि क्या पूरा का पूरा ला जो है आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या नाम है आपके पास पहुंच जाएं। और यही होती है कि भगवान की क्या मर्जी है, ईश्वर की क्या मर्जी है, वो तो ईश्वर ही जानता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। खैर समय ज़्यादा नहीं लेते हुए अगला टॉपिक आता हूँ। डीन रास्को पॉइंट ने विधि शास्त्र को क्षेत्र केवल निर्णय के संदर्भ में विधि का अध्ययन करना बताया गया है। आस्टिन ने विधि शास्त्र को क्षेत्र में केवल निश्चयात्मक विधि का अध्ययन तक सीमित है।
विधि शास्त्र विकास लोकहितवाद का समावेश 20वीं सदी के उल्लेख उपलब्ध है। लीगल थ्योरी विधि सिद्धांत का सर्वप्रथम डॉक्टर फ्रेडमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर फ्रेडमैन ने लिखा 1945 में। होमर देवी सख्त का विधान को स्रोत है। अरस्तु रिमोटिक नमक ग्रंथ मुकदमेबाजी संबंधी नियमावली को कहा जाता है। हाफ्स लास्ट व्यक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बेंथम उपयोगतावाद सस्पेंशन राज्य का विकास का सिद्धांत के व्यक्तवाद पर आधारित है। फ्रेडमैन के अनुसार प्राकृतिक विधि का इतिहास उत्सुकता मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा उसकी असफलता कहानी मात्र है। स्टोइक विचारधारा परिवर्तन जीवनों थे। हेरोक्लेट अनुसार बुद्धमान सत्य बोलने के लिए प्राकृतिक के अनुसार आचरण के रूप में निहित है। संत अगस्तीन शास्त्री पर चिंता सूर्यास्त तथा सूर्यमध्य का सूर्योदय के बीच में कड़ी है। आश्चर्य के दो प्रमुख कृत्य हैं लिबरो आर्बिटो स्वतंत्र इच्छा डिक्टेटिव डाई ईश्वर की इच्छा। आस्टिन ने दो प्रमुख कृत्य हैं लिबरो आर्बिटो यानी स्वतंत्र इच्छा डिसिबेटेट डेई ईश्वर की शहर है। पोप ग्लेशियस ने दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। पोप ग्लेशियस जो है दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। बेंथम जूरी पद्धति को समर्थन किया है। बेंथम न्यायाधीश को जज का एड कंपनी के नाम से संबोधित किया गया है। बेंथम विधि प्रवाह अनुशासित समर्थित संप्रभु समादेश कहा जाता है। हेनरी मेन का कथन है आदर्शमत विधि का सिद्धांत आदिम समुदाय के पथ लागू नहीं होती है। शेबिनी के अनुसार विधि मानव के कार्य तथा व्यवहारों के नियमों को जिसने राष्ट्रीय प्रथाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कैल्सन ने विधि चाहिए वेद में किया गया है। कैल्सन विशुद्ध के सिद्धांत का निर्वाचन सिद्धांत माना है। हैरिस के अनुसार कर्तव्य और संकल्पना अनुशासित की संकल्पना को पैरा खड़ी होनी चाहिए। प्रोफेसर हट और द्वितीय नियमों का समेकन विधिशास्त्र को कुंजी माना है। कंसेप्ट ऑफ लॉ हट प्रसिद्ध पुस्तक इस पुस्तक में पुरातनवात्मक पुरातनवात्मक विधिशास्त्र समाजशास्त्र निबंध नाम का दिया गया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम पुस्तक में हेनरी मैन ने लोक चेतना की व्याख्या की गई है। आउटलाइंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस एट द साइंस ऑफ द राइट्स ये इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक की विख्यात पुस्तक है। आउटलाइंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस एट द साइंस ऑफ राइट ए ज्यूरिस्टिक एंड साइक्लोपीडिया पुस्तक की विख्यात पुस्तक है। ग्रीक मानव संगठन ने अपने अध्ययन केंद्र बिंदु बनाया है। हेगल ने अपने विचार में फिलोसफी ऑफ द राइट लॉ ऑफ द नेचुरल लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस आउटलाइन व्यक्त किया गया। हेगल ने अपने विचार फिलोसफी ऑफ राइट एंड लॉ और नेचुरल लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस आउटलाइन 1881 में व्यक्त किया। कोलर के अनुसार जो है अहिंसावाद और स्वार्थपर मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। जातीय सिद्धांत नाजियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया? नाजियों द्वारा। एहरिंग के अनुसार मानव इच्छा का उद्देश्य स्वयं क्रिया नहीं बल्कि उसे प्राप्त होने वाले संतुष्टि है। एहरिंग को 19वीं शताब्दी को जर्मनी विधि का समय शाब्दिक विश्वकोशी मस्तिष्क वाला व्यक्ति माना जाता है। दुर्किम ने विधि और नैतिकता को मूलतः परिवाची माना गया है। ड्यूगिट ने अपनी कृतियों ला एंड मॉडर्न स्टेट में संप्रभुता का स्थान पर जनसेवा के विचार को महत्व दिया गया है। ड्यूगिट सामाजिक में को इलिट ने उच्च स्तरीय मिसाकाय तत्व कहा गया है। सामाजिक संकेतक का सिद्धांत ड्यूगिट का है। फ्रेडमैन के अनुसार ड्यूगिट का सामाजिक संकेतक का सिद्धांत कैल्सन ने की प्रारंभिक प्रस्थापना के समान है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एलएच के प्रमुख कृत है। इसके प्रयास से मनोदात्मक विधिशास्त्र का नाम दिया गया है। अमेरिका यथार्थवादी विधियों के व्यवहारिकता पर बल दिया है। गिरे के अनुसार विधि का वास्तविक केंद्र बिंदु न्यायालय के न्यायाधीश हैं। फ्रेंक ने कहा है हम वस्तुओं पर विचार करना चाहिए शब्दों पर नहीं। सामान्य विधि स्रोत का विभाजन औपचारिक स्रोत तात्विक स्रोत के रूप में की है।
कीटन ने विदेश को स्रोत को अवधिकारी और अनुध्येय के रूप में विभाजित किया गया है। चिपमैन गिरे ने विधान को समाज की विधि अंगों को औपचारिक कथन के रूप में व्याख्या की है। शामन के अनुसार विधान दो तरीकों सर्वोच्च विधान व अधीनस्थ विधान है। शामन के कथन रूढ़ का समाज से है वही संबंध जो विधि के राज से होता है। विनय कस्टन के अनुसार रूढ़ विधि का ऐतिहासिक स्रोत है। असुसंगतता तथा मौलिकता रूढ़ की आवश्यकताओं तत्व नहीं है। ग्रे ने कहा न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूकने का कार्य करता है। ग्रे न्यायिक पूर्ण निर्णय को घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। कार्डोज का विचार है पूर्ण निर्णय का पालन का एक नियम होना चाहिए न कि अपवाद। केसी डोरा बनाम जी अन्नामलाई दोनों उत्तम न्यायालय ने यह संप्रेषित किया कि पूर्ण निर्णय असीम भूत नहीं किया जाना चाहिए और न ही विधिक निर्णय का अभिव्यक्ति को समय सामाजिक आर्थिक लोकचार से विच्छिन्न किया जाना चाहिए। न्याय पूर्ण निर्णय का सिद्धांत द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935 के धारा 212 अंशिम मान्यता मिली है। भारत के पूर्ण निर्णय का संविधान आधार अनुच्छेद 143 है। लोक लक्ष्य अधिकार का संपूर्ण विश्व के लिए विरुद्ध सुरक्षित हित कहा जाता है। पेटेंट का शब्दों में मेरे साथ अधिकार विधि का एक संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार ऐसा पुत्र जिसका कोई पिता नहीं रहा है। प्रोफेसर डार्विन के अधिकार को समान कल्याण के विचारों को प्राथमिकता देते हुए ध्रुव का पत्ता माना है। डार्विन ने क्या माना? एक ध्रुव का पत्ता माना है। एलन के अनुसार विधिक अधिकार से ही उत्पन्न होता है। हॉरफेल्ड ने अधिकारों कर्तव्य के प्रसिद्ध विश्लेषण किया है। डायस ने कर्तव्य को आचरण एक आदेशात्मक प्रतिमान है। सामान्य कथन में जीवित व्यक्ति आता है और जाता है परंतु विधि यह कृत सर्वदा एक रहती है। स्वामित्व विभिन्न अधिकारों के उसी तरह समुच्चय है जिस तरह बाल्टी में रखा पानी अलग अलग बूंदों को संग्रह है। यह कथन हॉरफेल्ड है। विधि अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में हट ने कहा कि समावेश अनुशासित संप्रभु त्रिवेणी है। ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती है वो स्वयं विद्यमान है। लोक चेतना वाक जिष्ठ का सिद्धांत सैबिनी का है। जीवित विधि का अवधारणा एलहरिच की देन है। वैज्ञानिक प्रमाणवाद अगस्त कामते का है। एलहरिच बेंथम ड्यूगेट एहरिंग पाउंड यू कामते समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक हैं। बेंथम यू राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। विधि के विकास का केंद्र बिंदु विधान है या न्याय निर्णय न होकर समाज स्वयं है यह कथन एलहरिच का है। एहरिंग के सिद्धांत के अनुसार हित विधि के मुख्य विषय वस्तु और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं की इच्छाओं को संतुष्ट करना होता है। राष्ट्र को पाउंड ने हितों को संतुलन को तथा सामाजिक हितों को संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। विधि व्यक्तियों का विकास के साथ विकसित होता है और उनकी शक्तियों के साथ सशक्त होते हैं और जैसे एक राष्ट्र अपने राष्ट्र खो देते उसी विधि समाप्त हो जाती है यह कथन सैबिनी का है। सैबिनी ने कहा था कि रूढ़ वास्तविक विधि का एक लक्षण है उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। हार्ट ने कर्तव्य आचरण का एक आदर्शमत प्रतिमान कहा है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ सैबिनी की पुस्तक है। समाजशास्त्री उसको प्रभाववादी प्रतिक्रिया थी इच्छा सिद्धांत को हित विधि का अधिकार का मुख्य सिद्धांत है। विधि तुलनात्मक अध्ययन को मेन प्रतिपादित किया गया था। प्रख्यात निबंध डिटरमाइन रेशियो डेसिडेंडी ऑफ द केस गुडहार्ट द्वारा लिखा गया है। चिपमैन गिरे ने विधान को समाज की विधि अंगों को औपचारिक कथन है के रूप में परिभाषित किया गया है। इमैनुअल कांट ने कैटेगोरिकल इंपरेटिव सुनिश्चित आदेशों का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। हॉरफेल्ड के अनुसार कर्तव्य का विश्लेषण का एक चार्ट के माध्यम से है। न्याय पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक कुक मैथुल हेल ब्लेक ऑस्टन डॉक्टर कार्टर लाडर स्टीमर हैं। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का पुनर्जीवन स्टेमलर श्रेय दिया जाता है। गुरुसिस का कथन है राजनीतिक समाज का आधार संविदा सामाजिक संविदा है। बेंथम की विधि दर्शन उपयोगितावादी व्यक्तिवाद का कहा जाता है। पोलैंड ने विधि को मनोविज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया गया है। विधि एक मानात्मक विज्ञान है ये कर्सन का कथन है। ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार रूढ़ विधान श्रेष्ठ है। ऑस्टिन ने आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। समाज की विधि कार्यों से अभियांत्रिक कार्य का राष्ट्र पौंड का कथन है। प्लेटो प्राकृतिक विधि का संबंध यूनानी दर्शन के प्रमुख जन्मदाता है। विधि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण विधायन है। अभिकर्ता सेवक के माध्यम से अर्जित कब्जा विहित कब्जा का उदाहरण है। शामिल के अनुसार अधिपत का आशेष कब्जे का आशेष तत्व है।
पहले ने विधिक व्यक्ति को परिभाषित किया गया कि एक व्यक्ति अस्तित्व जिस पर अधिकार और कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं। एकल निगम मुख्य प्रयोजन से पद नेतृत्व बनाए रखना। विधि शास्त्र के विषय वस्तु को तर्कशास्त्र सिद्धांत तथा राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक सिद्धांत दर्शन योनि काल से है। जातवादी विधि सिद्धांत का उद्भव जर्मनी से हुआ है। राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेकावली ने की थी। यूनानी विचार राज के स्थान पर पोल्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। मृत्युदंड निरोधात्मक दंड सिद्धांत का उदाहरण दंड के मुख्य सिद्धांत है। निरोधात्मक दूसरा है पत्रोधात्मक, तीसरा है पत्र शुद्धात्मक और चौथा है सुधारात्मक। विधि का आधार राज की दमनकारी शक्ति में निहित है। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा है? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है राज ने लिखा है। इस टू कंटेंट का सिद्धांत सर हेनरी मेन ने प्रतिपादित किया गया है। ड्यूगेट के अनुसार व्यक्ति को केवल एक ही अधिकार होता है, वो सदियों कर्तव्य रहित रहने का अधिकार है। ज्यूरो फ्रांक के अनुसार विधि की निश्चितता एक काल्पनिक तथ्य है क्योंकि वो विधि सदियों परिवर्तनशील होती है। विधि शास्त्र मानविक ज्ञान को शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय जान ऑस्टिन को है। बिलक ऑस्टिन का मत था कि सभी कानून अपनी अधिकार शक्ति का प्राकृतिक विधि से प्राप्त करते हैं। राजको पौन क्रियात्मक शाखा के मुख्य प्रवक्तक हैं। रोम ने न्याय व्यवस्था को दो प्रकार से विधि अपनाई गई है, जिन्हें नागरिक विधि जस सिविक्स तथा सार्वजनिक विधि लोकस जेनेटम कहा गया है। 19वीं शताब्दी विधिवेत्ता ने प्राकृतिक विधि पर उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई, इसलिए 19वीं शताब्दी को प्राकृतिक विधि का आनुत कालाखंड कहा जाता है। सामेंट के अनुसार प्राइवेट प्रतिशोधक दंड न्याय का एक शासन संप्रवर्तित हो जाता है। फ्रेडरिक के अनुसार न्याय कभी दिया नहीं जाता है, यह कठिन कार्य है। फ्रेडरिक न्याय व्यवस्था व्याख्या करते हुए इतर प्रस्तुत किया कि न्याय एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी फार्मूले में सदियों के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जैसे समता का स्वतंत्रता आदि सहित अनेक तत्वों के बीच संतुलन कायम रखना करने का प्रयास जारी रहता है। प्रथा जहाँ समाप्त होती है रूढ़ वहाँ प्रारंभ होती है। प्रथा समान अभ्यास से जो विधिक बाध्यताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है, प्रथा रूढ़ तब हो जाती है जब उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। विधान और विधमानता सारता नहीं होकर विधिता है। स्वामीहीन संपत्ति का अर्जन स्वामित्व का मूल अर्जन है। घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए बेंथम ने कहा कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करता है, सरासर झूठ है। घोषणात्मक सिद्धांत आलोचना के बेंथम ने कहा कि न्यायाधीश जो है विधि का निर्माण नहीं करता, सरासर झूठ है। उनके अनुसार न्यायाधीश घोषणात्मक सिद्धांत के बहाने विधान का अधिकार को चुरा लेता है। घोषणात्मक सिद्धांत का भूमिगत कटाक्ष करते हुए बेंथम ने डार्क लॉ का संज्ञा दी। निर्णयधार न्यायिक पूर्वोक्त को जन्म देता है। निर्णयधार पश्चातवर्ती निर्णयों के लिए अवधिकार होता है। निर्णयधार परिभाषा सामंत इस प्रकार के एक पूर्ण निर्णय, एक नए निर्णय जो समय में एक सिद्धांत अंतर्विष्ट करता है, ऐसा अंतर्विष्ट सिद्धांत जो प्राधिकारिक तत्वों का निर्माण करता है, अवसर पर निर्णयधार कहा जाता है। अपूर्ण अधिकार वो है जिसे विधि के अंतर्गत मान्यता तो प्राप्त होती है परंतु विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अवध बाधित संपूर्ण अवध बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार को धारण होता है। अपूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित होता जाता है, जैसे कि परिसीमा बाधित ऋण वसूली के लिए न्यायालय वाद लाने के लिए, परंतु अभी अस्वीकृति या आंशिक संदर्भ कारण वसूली होने जाने के तो कोई व्यक्ति किसी भूमि पर वास्तविक स्वामी के अनुमति के बिना 12 वर्ष तक निर्बंध रूप से रहा तो शांतपूर्वक कब्जा रखता है तो उसका प्रतिकूल कब्जा का दास स्वामी होगा। पेटेंट कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार वाणिज्य साख ट्रेडमार्क तथा व्यापार नाम अभौतिक वस्तुएं हैं, ये अमूर्त स्वामित्व कोर्ट में आती हैं। अमूर्त स्वामित्व कोर्ट में कहते हैं पैटेंट कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार वाणिज्य साख ट्रेडमार्क तथा व्यापार नाम अभौतिक वस्तुएं ही अमूर्त स्वामित्व के कोर्ट में आती हैं। ये व्यक्ति का निजी संपत्ति का अधिकार होता है। जो व्यक्ति अपने कौशल तथा श्रम के साथ आविष्कार करता है वो अकेले उसी आविष्कार का उपयोग करने तथा उस लाभ उठाने का हकदार होता है। ये विशेष अधिकार उस व्यक्ति को राज को दिया जाता है। ऐसे अधिकार को पेटेंट का अधिकार कहा जाता है। सोलोमन बनाम सोलोमन का और डेमलर एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कंटीनर टायर यू रबर कंपनी निगमन और हटाने लिपिंग द कॉपीराइट बिल से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, लेकिन उक्त सिद्धांत में के डेमलर लागू किया गया सोलोमन वाद उक्त सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। सामंत के विचार के निगमित व्यक्तियों का एक ही समूह है जो विधिक कल्पना के द्वारा विधिक व्यक्तियों के रूप में मान्य किया गया है। निगम का अतिरिक्त विश्वविद्यालय अस्पताल मंदिर बैंक रेलवे
आठ संस्था उपयोग के लिए रखी गई हैं। संपदा जायदाद निधि, न्यास संपदा दिवालिया, व्यक्तिगत संपत्ति खैरात निधि, हिंदू देव मूर्ति आदि विधिक उपयुक्त उदाहरण हैं। दोस्तों में जुरिसप्रूडेंस का जो है वन लाइनर आपको अभी तक मैंने आपको बताया है। मैं आप लोग जो है PCSJ का एग्ज़ाम जो 16 दिसंबर को होने वाली है जो आप लोग क्लियर कर लेंगे, फिर मैं आपको उत्तर प्रदेश का स्पेशल में लोकल ला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, मैं आपके सामने लोकल ला लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको लोकल ला समझाने के एक बेहतर लोकल ला जो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मेरे साथ बने रहें और हमारे साथ जो हमारे जो व्यू हैं जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे पता चल जाता है मैं हमारी वीडियो कितने देखे हैं कितने व्यू हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नेक्स्ट टाइम में अब मैं आपके सामने लोकल ला लाऊंगा ताकि उस समय मेरा हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं सच्ची सच्ची हो। प्री के लिए तो मैं आपका मेहनत नहीं करा सका लेकिन मेंस के लिए मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, थैंक यू, धन्यवाद।